देखिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्गली ये बात कहता हूँ कि आजकल बच्चों को गाइड्स मिलने बंद हो गए, वेरी लिमिटेड गाइडेंस एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। उनको अट्रैक्शंस इतने हैं, और जो दुनिया की सबसे बुराई हमेशा जल्दी ट्रेवल करती है, तो इसलिए बच्चों को सबसे पहले जो ओवरकम करती है वो बुराई करती है। दोस्तों के साथ बाइक पे घूमना, और कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रलोभन दे के ये कोचिंग क्लासेस उनको एक फ्रीडम देती हैं कि आप सिर्फ घूमो खूब बात करो, लेकिन हम आपको रोकेंगे नहीं। अच्छी शिक्षा सिर्फ वहीं दी जा सकती है जहाँ पर बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। जो बच्चा भटका हुआ है, भटके हुए बच्चे को एक राह दिखाना एक सच्चे गुरु का एक सच्चा कार्य है। और जो ऑलरेडी जो कंसंट्रेटेड हैं, उनको तो आप कभी भी एक सिर्फ दिशा दिखाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म अ चाइल्ड एंड ट्रांसफॉर्म द नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि जब बच्चों के अंदर हम एक नेगेटिविटी का पौधा बिल्कुल क्रश कर देंगे, तब जाके उत्सुकता का एक पौधा उनमें जगेगा। और जैसे ही उत्सुकता का एक पौधा जगता है, तब आप देखेंगे उसके फल अचीवमेंट के रूप में आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सब साधन हैं, लेकिन उनको प्रसाधन के रूप में यूज़ करते हैं बच्चे, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, उसको एक बिल्कुल अनजानी दिशा में भटक के वो लोग निकल जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी, मैं ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे पूरी पूरी निगरानी कर रहे हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर वो पैसा कमाने की होड़ में अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं, उनके ऊपर निगाह नहीं रखते, जहाँ वो बच्चे अपना एक फ्रीडम ऐसे वर्ल्ड की तरफ चला जाता है जहाँ सिवाय अंधेरी गुफा के और बंद गुफा के कभी कुछ नहीं मिल सकता। मैं जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, हमेशा उनके भविष्य के बारे में सोच के लगभग 50 मोटिवेशन सेशन करा के बच्चों को, तब वो 12th से यहाँ से निकलते हैं, तो उनको एक एक स्टेप पता होता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप क्या है, और अचीवमेंट तक के क्या क्या स्टेप्स हैं। जब बच्चों को एक एक चीज़, एक बीज की तरह एक पौधा रोप के, उसको पानी दे के, खाद दे के, जब हम उनकी उत्सुकता का पौधा बड़ा करते हैं, तो जब वो अचीव करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी उस पेड़ को होती है जो वो उनको गाइड करता है। तो ऐसे ही बच्चे, ये तमाम बच्चे हैं जैसे ईशान हैं, इसने भी स्कूल को बहुत बड़ा गर्व दिया। यूनाइटेड नेशन समिट में सेलेक्ट होना एक आसान बात नहीं, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, अपने देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना एक आसान बात नहीं, जो कि ये बच्चा कर रहा है। मुझे बहुत गर्व है ऐसे बच्चों पे, लेकिन एक उम्मीद भी है मुझे कि इनकी गाइडेंस से, जैसे आज इसने यहाँ सेशन लिया, कुछ लोगों ने इससे भी प्रेरणा ली होगी कि मुझे भी अब अपने कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट करना है। और जब एक ये कल्चर शुरू हो जाएगा, तो मैं गर्व से कह सकूँगा कि इस कल्चर की शुरुआत करने में एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी था, तब मुझे अपने पे गर्व होगा, अभी मुझे अपने पे गर्व नहीं। जब तक मेरा मिशन अकम्प्लिश नहीं होता, तब तक मैं ईशान जैसे बच्चों की हमेशा मदद लेता रहूँगा। वो अपने स्कूल को इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप मुझसे कहा, सर आई वॉन्ट टू टेक अ सेशन यू। तो उसने आकर बकायदा बच्चों को गाइड किया, और उसने बताया प्ले वे से लेकर 12th तक ये ईशान ने अपनी शिक्षा यहीं ग्रहण करी है। इसका मतलब बेसिक एजुकेशन, एक कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपकी स्कूलिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस वहीं से मिलता है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूँ कि हम एक बेस बच्चों में देने का प्रयास करते हैं। हम कभी भी किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बनाते। जो बच्चे हमारे यहाँ टॉप करते हैं, आप जब भी उनसे बात करें, या कोई IAS या कोई भी, जब भी सिलेक्शन होगा, या जैसे ये यूनाइटेड नेशन समिट को अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज सो वंडरफुल, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इतनी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होगा, 50 लोग ही इज हिमसेल्फ सेइंग एस्क मी द क्वेश्चंस। जबकि कुछ बच्चे तो बोल ही नहीं पाते, जो किताबी कीड़ा होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता। हम कॉन्फिडेंस देने का भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन के साथ साथ उनको कलाओं से भी, विभिन्न कलाओं से भी जोड़ते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी।
and we bind all things together in an educational structure and then try to give the personality to a child. I'm very proud that Ishan came and guided today. I will be calling all my achievers, and I'm proud for Ishan as an alumni of the school. I wish him all luck for future. तो ये जो पोजीशन मैंने अचीव किया है, ये सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं है. कोई भी व्यक्ति अपने बल पर सब कुछ नहीं कर पाता है. ये जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स, द सपोर्ट जो मेरे एल्डर्स का, मेरे टीचर्स का मेरे पास है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जो मैं मलेशिया ले जाके लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो यही है कि भाई इंडिया का स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, इंडिया के एथिक्स, इंडिया के स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद्गीता, लाइक हरे कृष्ण महामंत्र, उनमें इतना पावर है कि वो आपकी पर्सनालिटी को लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं. तो अगर हमें डिफरेंट बनना है, हमें इंडिया के खोए हुए वैदिक कल्चर को अपनाना पड़ेगा, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे स्क्रिप्चर्स, भगवद्गीता शास्त्रों को पढ़ना, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ मेडिटेशन करना. और मेडिटेशन में कौन सा मेडिटेशन, लाइक हरे कृष्ण महामंत्र. सो ये सारे मेडिटेशन करके, ये सारी बुक्स रीडिंग करके मुझे इतना इनर स्ट्रेंथ आया कि हाँ भाई, आज मैं पब्लिक के सामने इंडिया के इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ. सो दिस ऑल इज जस्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ माय एल्डर्स एंड अलोंग विद दैट माय एफर्ट इन रीडिंग भगवद्गीता एंड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी लाइक चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. आज आपका एक संवाद हुआ है यहाँ के बच्चों के साथ में, किस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों ने अपने क्रिएट किए हैं? डेफिनेटली आजकल का जो यूथ है, सबका प्रॉब्लम सेम है. जैसे अभी मैं किड्स कॉर्नर में एड्रेस किया, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का सबसे मेन कंसर्न है कि लाइफ में करना तो चाहते हैं, बट वो करने के लिए स्ट्रेंथ, वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन कहाँ से डेवलप होगा. तो वो कहाँ से डेवलप होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आप सभी को, वो डेवलप होगा जब हमारे पास शार्प नॉलेज होगा. नॉलेज होगा स्क्रिप्चर्स का, नॉलेज होगा भगवद्गीता का, तब हम अर्जुन जैसी पर्सनैलिटी बना पाएंगे. नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस अचीव कर सकते हैं, बट एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए हमें स्पिरिचुअल इंटेक अपनी लाइफ में करना पड़ेगा. तो यही मैंने बच्चों के अंदर देखा कि स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, जो उनको नरिश करेगी, जो उनकी सोल को नरिश करेगी, उनकी बॉडी को नरिश करेगी. तो इसलिए आजकल के यूथ को सबसे ज़्यादा अपने इंडियन कल्चर, अपने वैदिक कल्चर, बुक्स लाइक भगवद्गीता, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, इन सारी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए. बाकी करियर को जब माइंड कंट्रोल रहेगा तो सारा ग्रोथ हो जाएगा. थैंक यू.